अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां क्राइम ब्रांच ने साते ठग विपुल सैफट को गिरफ्तार किया है। आरोपित इंटरपोल अफसर बनकर भू माफिया दीपक मद्दा, चंपू अजमेरा, चिराग शाह, मन्ना चौक से कमलेश पंचाल से 30 करोड़ रुपए की वसूली करने आया था। आरोपित ने उज्जैन के बिल्डर और पूर्व केंद्रीय मंत्री के पीए का नाम कबूला है। डीसीपी जोन 2 संपत उपाध्याय के मुताबिक सूचना मिली थी कि बैतूल निवासी विपुल सैफट इंटरपोल अफसर बनकर ठहरा हुआ है। एमआईजी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस ने आरोपित को एबी रोड स्थित श्री माया होटल में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे केसर बाग रोड निवासी कारोबारी हेमंत नेमा के बेटे पीयूष नेमा ने बुलाया था। हुंडी कारोबारी पीयूष को भू माफिया दीपक मद्दा, चिराग शाह, मन्ना चौक से कमलेश पंचाल से 30 करोड़ रुपए लेने थे। आरोपी 40-50% कमीशन लेकर उक्त राशि वसूलने आया था। पीयूष की उज्जैन के बिल्डर पवन कुमार बनवारी ने मुलाकात करवाई थी। पीयूष उसको 3.5 लाख रुपए नगद दे चुका था। 2.5 महीने से होटल का खर्चा भी पीयूष ही वहन कर रहा था। पुलिस आरोपित की कॉल डिटेल निकाल रही थी। संपर्क सूत्र और परिचितों की भूमिका की जांच चल रही है। आरोपित ने 3 महीने पूर्व नेमा कॉलोनी में पीयूष से मीटिंग की और शिकायती आवेदन लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश हिंगड़कर से मिला। हिंगड़कर ने आवेदन अपराध शाखा के डीसीपी निमिष अग्रवाल के पास भेज दिया। पीयूष समझा उसकी अफसरों से बातचीत है। उसने 2 बार में 3.5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद विपुल सैफट ने रिटायर्ड IAS व पूर्व केंद्रीय मंत्री के पीए नवीन कुमार से भी फोन लगवाया। नवीन को 50,000 रुपए दिए और लोकायुक्त व EOW अफसरों के पास भी ले गया। 2.5 महीने बाद भी हलचल ना होने पर पीयूष ने खुद अफसरों से संपर्क साधा। हिंगड़कर को उसकी बातों पर शक हुआ और क्राइम ब्रांच की टीम भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन उसमें ऑनलाइन उसकी फीस जमा करी, उसका फॉर्म भरा, उसके बाद उसका कार्ड आया। ये संस्था क्या कार्य करती है? ये संस्था क्राइम प्रिवेंशन और एंटी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में काम करती है। आपने इसमें क्या कार्य किया? मैंने अभी तक ट्रेनिंग में काम किया था और कुछ नहीं। ये जो भी आपने घटना हुई इसमें आपने क्या आपकी क्या भूमिका है? पूरी भूमिका क्या भूमिका बताइए आपकी? आपने अपने पीयूष नेमा, पीयूष नेमा से आप कहाँ मिले? पीयूष नेमा से दोस्तों तो यहाँ आप कहाँ रुके हुए? श्री माया में पीयूष जी ने रुकवाया था। श्री माया को पीयूष जी कितने दिन से रुके हुए थे आप? करीबन पिछले 2.5 महीने से। क्या कार्य सौंपा था पीयूष नेमा जी ने आपको? पीयूष नेमा जी का जो कुंडी का पैसा बाजार में फंसा हुआ था तो उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी के हैसियत से आप उनसे मिले थे और आपने ये सब कार्रवाई इसमें कई जगह एप्लीकेशन भी बताई उनसे जी जी और आपने उनसे कितने रुपये।